भारत और चीन का सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद अब चीन कई षड्यंत्र रचने में लगा हुआ है और हर बार मुंह के बल नीचे भी गिर रहा है। दरअसल श्रीलंका के जरिए ड्रैगन भारत को घेरने की कोशिश में लगा था, जिसे अब चीन को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, श्रीलंका ने चीन की ओर से हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के करार किया था और ये करार के छिपे चीन की मंशा भारत के समुद्री मार्ग को घेरने और वहाँ चीनी निवेश बनाने के लिए किया था, जिसमें अहम बात ये थी कि चीन इस बंदरगाह को सैन्य गतिविधियों के लिए भी उपयोग कर सकता था। इसके तहत श्रीलंका सरकार ने चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट होल्डिंग को 80% हिस्सेदारी देने की बात कही थी, लेकिन श्रीलंका की जनता ने अपनी सरकार पर हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन के हाथों बेचने का आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों के साथ ही बौद्ध भिक्षु भी चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस बंदरगाह को विकसित करने में चीनी कंपनी $1.5 अरब का निवेश करने जा रही थी, लेकिन वहीं स्थानीय जनता के विरोध को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने बंदरगाह के संचालन पर चीन की भूमिका को सीमित कर दिया है। साथ ही अब चीन इस बंदरगाह को सैन्य मकसद के लिए उपयोग नहीं कर सकेगी, जिसके बाद अब भारत के साथ साथ जापान और अमेरिका की चिंता भी दूर हो गई है। वैसे ये पहली बार नहीं जब चीन अपने नाकाम मंसूबों में नाकामयाब हुआ हो, जबकि इससे पहले साल 2014 में चीनी पनडुब्बी के कोलंबो पहुंचने पर भारत के लिए खतरा बढ़ गया था। लेकिन अब मई में पीएम मोदी श्रीलंका के दौरे पर थे तो कोलंबो में चीनी पनडुब्बी को खड़ा करने की इजाजत नहीं दी गई, तो इससे चीन के माथे पर शिकन बढ़ गई थी, जिसे पीएम मोदी की सफल रणनीति का हिस्सा माना गया था। भारत श्रीलंका को अपना दक्षिणी तट ही मानता है, ऐसे में यहाँ पर चीन की मौजूदगी भारत के लिए चिंता का सबब बना हुआ था, जिसके बाद अब श्रीलंका का ये कदम भारत के हित में माना जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।